नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी कि 20 अक्टूबर को देश को साहिबाबाद रैपिड एक्सेस स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस कॉरिडोर की सौगात दे दी। उन्होंने साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच चलने वाली पहली रैपिड एक्सेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। इस तरह देश में पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की शुरुआत हुई है। पीएम ने यहाँ लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने तो अपना बचपन रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिताया है। पीएम मोदी ने कहा कि नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, इसमें शुभ काम की परंपरा है। मैं दिल्ली एनसीआर और पूरे वेस्ट यूपी को बधाई देता हूं। ये आरटीएस कॉरिडोर भारत के एक नए संकल्प को पूरा करता है, भारत का विकास, राज्य के विकास से ये संभव हो पाया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने गुरुवार को यह ऐलान किया था कि आरटीएस ट्रेनों को नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था और कांग्रेस ने नाम पर सवाल भी उठाए थे। नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता और स्पीड दोनों है, पीएम मोदी ने यह बताया। दरअसल यूपी के साहिबाबाद में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के लिए ऐतिहासिक पल है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सर्विस नमो भारत ट्रेन की शुरुआत हुई, इसे देश को समर्पित कर दिया गया है। कहा कि नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है और स्पीड भी। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। उन्होंने बेंगलुरु में मेट्रो की दो लाइनों को भी समर्पित करने की इस दौरान जानकारी दी।